वो है जो शरीर को जिंदगी के आखिरी दिन तक ताकत देता है। रहस्य जो है वो मौत तक छुपा रहना चाहता है। वैम्पायर की दुनिया में खून और रहस्य के एक ही मायने हैं। खून में कहानियों के अनुभव, मनोभाव और एक वैम्पायर के रहस्य छुपे होते हैं जब तक उसका जीवन अमर रहता है। वैम्पायर्स अपने खून को सबसे खास चीज की तरह रखते हैं। खून को गंवाना मतलब रहस्यों का खुलासा हो जाना। ये शिल्पा नाम की एक वैम्पायर के 50 साल तक पीछा करने की शुरुआत है। वो वैम्पायर को मारती है और उसका खून चखती है अपनी लापता बहन के सुराग को ढूंढने के लिए। अब वो जानती है कि जिस शहर में एक वैम्पायर के ग्रुप से बहुत कुछ जुड़ा है वो शहर है बैंकॉक। तुम्हें पीना होगा। सच पूछो तो वैम्पायर बनना इतना भी बुरा नहीं है।
जो मुझे कभी नॉर्मल लगता था अब वो एक तरह से अपग्रेड हो गया है। जो पहले अच्छा लगता था अब वो और भी अच्छा लगता है। जैसे कि उस गेम के स्टेज को पार करना जिसे मैं कभी पार नहीं कर पाया। वीडियो गेम खेल रहे हो? अब वो बहुत आसान लगता है। अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ और क्या। पहले मैं स्टेज पार ही नहीं कर पाता था और अब देखो एक ही मिनट में इसको पार कर दिया। क्या बात है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा दिमाग अब पहले से तेज हो गया है। मैं पहले से तेज पढ़ सकता हूँ, बेहतर सुन सकता हूँ और मेरी मेमोरी भी पहले से तेज हो गई है। हे वैम्पायर बनने से कुछ तो फायदा हुआ। पी लो। एक बोतल खून एक हफ्ते के लिए काफी होगा। और अगर मैं ना पीऊं तो मुझे क्या होगा? अगर नहीं पियोगे तो वैम्पायर के प्रीस्ट बन जाओगे, धीरे धीरे मरने लगोगे, समझे? धीरे धीरे मरना ही अच्छा है, ना कि एक बार में मरना। उसी की तरह दिख रहे हो। ऐसा लगता है मुझे तुम्हारे खून की महक आ रही है और तुम्हारी महक बहुत ही तेज आ रही है। ये वैम्पायर की एबिलिटी है। लेकिन मुझे कुछ अजीब महसूस भी हो रहा है पर तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। हाँ, खून के रिश्ते की तरह मैंने तुम्हें बताया था ना। लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ अलग है। अब मेरा काम पूरा हुआ, मुझे इजाजत दो। मैं भी जा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। शुक्रिया तो तुम्हें शिल्पा का करना चाहिए। कितनी अजीब बात है, इतने दिन बीत गए लेकिन मैंने शिल्पा को ऐसे हंसते कभी नहीं देखा। मैंने उसे तुम्हारे साथ इतना खुश देखा। मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नई पहचान से की। दिन में मैं एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर हूं लेकिन रात में मैं वैम्पायर्स का पीछा करता हूं और उनका शिकार करता हूं।
पहले से कितना हैंडसम हो गया है ना। इसका ब्रेकअप हो जाए तो मैं इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। ओ हाँ बिल्कुल। हे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये सब मेरी तरफ घूर रहे हैं। देखो मैं ये बात समझता हूँ कि वैम्पायर के हॉर्मोन्स इंसान को आकर्षित करते हैं, लेकिन इतना नहीं सोचा था। दिखने में तो टेस्टी लग रही है, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं तो कहो तो तुम्हारे लिए मार डालूं। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम ये समझ लो कि मैं आज के लिए यहाँ का हेड बंदा हूँ। मैं पहली बार जब यहाँ आई थी तो हो सकता है मेरे हार्मोन ने तुम्हें अट्रैक्ट किया होगा। लेकिन मैं तुम्हें हार्मोन की वजह से पसंद नहीं करता, तुम जो हो उसके लिए करता हूँ। मिलती हूँ, मुझे काम है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वैसे भी तुम कत्ल करने में माहिर हो। मैं चाहता हूं कि मेरे लिए तुम किसी को मारो। माफ करना, मैं ये काम नहीं कर सकता। पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुमसे पहले मुझे किसी ने तुम्हें मारने की सुपारी दी है। नहीं, मुझे सुपारी मिली है इसे मारने की, तुम्हारी नहीं। तो याद रखना, हमने एक दूसरे को नहीं देखा। चल भाग। मैक उर्फ रेड नैपकिन किलर, 40 साल का वैम्पायर, दिन में एक बार्बर है लेकिन रात में ही एक जॉब किलर है। इसका सबसे अच्छा हथियार एक चाकू है और कोई भी नुकीली चीज। ये ज्यादातर पॉलिटिशियंस को मारता है, इंसान और वैम्पायर दोनों को। आलिया, 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 ए आलिया, आलिया रुको, आलिया, 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 तुम्हें पता होगा कि मैं उससे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें किस हद तक मारना चाहता हूं।
नाशिक।